अगला है आपका माउस। माउस बेसिकली हमारे पास दो किस्म के हैं, एक वायर वाला, एक विदाउट वायर वाला। जो वायर वाला है वो नॉर्मल माउस कहलाता है, जो बगैर वायर के होता है उसे वायरलेस माउस कहते हैं। वायरलेस माउस के लिए एक डिवाइस छोटी सी, ये USB टाइप डिवाइस होती है, इसे कहते हैं ब्लूटूथ डिवाइस, ये यूज होती है जो उसको कनेक्ट कर सके कंप्यूटर से। माउस को फ्रंट से हम देखते हैं तो इसमें दो बटन हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में एक ये टायर की तरह बना हुआ है कुछ, इसको हम बोलते हैं स्क्रोल। तो माइंड में ये चीज़ें बिठा लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, या नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि जब मैं आगे अपने लेक्चर्स में डायरेक्ट ये लफ्ज यूज किया करूँगा तो आपको पता हो कि मैं किस चीज़ के बारे में क्या कह रहा हूँ। तो इसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक, इसे कहते हैं राइट क्लिक, और इसको बोलते हैं स्क्रोल। तो हम जब भी कोई चीज़ सीख रहे होंगे या जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि रिपीट करूँ, वरना हो सकता है मैं रिपीट ना भी करूँ। तो जब मैं ये बोलूँ कि लेफ्ट क्लिक करके हमें यह करना है या इसको स्क्रोल डाउन करें, तो स्क्रोल डाउन का मतलब ये होगा कि इसको नीचे की तरफ स्क्रोल करें, स्क्रोल अप का मतलब होगा इसको ऊपर की तरफ घुमाएं, राइट क्लिक करके इस ऑप्शन में जाए का मतलब ये होगा कि आपने उस चीज़ पे अपना माउस ले जाना है और इस बटन को दबाना है। तो यानी ये बात हो गई कि राइट क्लिक करके हमने ये काम करना है, ठीक हो गया। बेसिकली ऑप्शंस के अंदर जाने के लिए होता है राइट क्लिक, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए होता है, अमूमन ये देखा गया है।